राधा, ए राधा, आई मम्मी। पता नहीं कहाँ मर गई है जाके। चाय मिलेगी आज या नहीं मिलेगी? राधा, अरे चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लाई मम्मी जी। आजकल तुझे बहुत नींद आ रही है। वो मम्मी जी रात को ये लेट आए थे, फिर मेरी आंख ही नहीं खुली। देख सुन बहू, रात को तू कितनी भी लेट सो, लेकिन सुबह मुझे चाय जल्दी चाहिए, ठीक है? अरे सुन, प्रिया जग गई? नहीं मम्मी जी। उसे मत जगाना, उसे देर तक सोने की आदत है। जब वो उठे तब उसे चाय बना के दे देना। और सुन, आज ढंग का खाना बना लेना, प्रिया का आज जन्मदिन है। ठीक अरे आज दीदी का जन्मदिन है। ठीक है, मैं वही बनाऊंगी जो दीदी को पसंद होगा। आज मम्मी, आज तो मेरा भी जन्मदिन है। बहुओं का कोई जन्मदिन नहीं होता है। चल जा, टाइम से सफाई कर ले, अच्छा खाना बना ले। मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लेके आना है। जन्मदिन है आज मम्मी मेरा, जन्मदिन मनाएंगे। घोड़ी हो गई, इनका जन्मदिन है। अरे मेरा बच्चा, नींद पूरी हो गई? हैप्पी बर्थडे बेटा। बर्थडे वर्डे कुछ नहीं, हमें कपड़े चाहिए, हमें इयररिंग्स चाहिए, हमको सैंडल भी चाहिए, पर्स भी नया चाहिए, सब कुछ हमको नया चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ ले लेना, अब खुश? अरे मेरी प्यारी मम्मी, भाभी मेरे लिए चाय ला दो। अरे वो तुझसे नहीं सुनेगी बेटा, शादी में ही जब विदा होके आई थी तभी हमने इससे कह दिया था कि मेरी बेटी की इज्जत करोगी तो इस घर में रह पाओगी। लेकिन ना, राधा कहाँ मर गई जाके, चाय लेके आओ जल्दी। पता नहीं कहाँ मर जाती हैं, हमने आशीष से कहा था, ये पागल है बिल्कुल पागल। लेकिन ना, बेटा की भी आंखें बंद है बिल्कुल, उसे नहीं दिखाई देता है क्या नहीं है। पता नहीं कैसे घर की है, कैसे संस्कार इनके माँ बाप ने दिए। 2 घंटे पहले बेटा, अभी हमने इसको समझाया था कि आज बेटी का बर्थडे है, आज कलह ना फैलाना, वो आज भी कलह फैला देगी घर पे। अब इसको नहीं ध्यान है कि वो उठ के आ गई है कि चाय लेके आए टाइम से। बड़ा दर्द है पैरों में, घुटनों का दर्द नहीं जाता है। राधा, कहाँ मर गई मनहूस, सुनती ही नहीं है, चिल्लाते रहो। जी मम्मी, मेरे पैर दबा, बहुत तेज दर्द हो रहे हैं। अरे ठीक से दबा, क्या हाथों में जान नहीं है क्या? शादी करने गए थे तो माँ बाप पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे, हमारी बेटी ये कर लेती है, हमारी बेटी वो कर लेती है। वो इनकी मामी भी बहु बड़ाई कर रही थी, हमारी भांजी पहाड़ तोड़ लेती है।
मम्मी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मैंने देखो कितने अच्छे से बांधा हुआ है, कितने अच्छे से लगाया हुआ है। वाह बेटा, मेरे टॉप कैसा लग रहा है? देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मेरे बेटा को किसी की नजर ना लगे। आई मम्मी जी, आई अरे क्या कर रही हो? आई। मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे आ रही हूँ। भाभी कहाँ हो? जल्दी लेके आओ। प्रिया आ रही हूँ, आ रही हूँ। प्रिया क्या कर रही क्या कर रही हो? हो? कहाँ मर गई कहाँ मर गई मढ़ूस? मढ़ूस? अरे आज चाय अरे आज मिलेगी चाय कि नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी? बताओ, अभी तक बताओ, अभी खाना तक नहीं खाना नहीं बनाया। बनाया? कैसे काम कैसे करती काम हैं? करती माँ हैं? बाप माँ ने बाप कैसे ने कैसे संस्कार संस्कार दिए दिए हैं? हैं? भाभी भाभी मेरे कपड़े मेरे प्रेस कपड़े में किए प्रेस अभी में किए तक? अभी तक? चाची चाची नाश्ता दे दो नाश्ता दे प्लीज, दो हमें प्लीज, स्कूल हमें स्कूल जाना जाना है। है। बताओ मम्मी, बताओ अभी तक मम्मी, चाची अभी ने तक नाश्ता चाची ने नहीं नाश्ता नहीं बनाया। बनाया? अरे पता अरे नहीं कहाँ पता से नहीं शादी कहाँ हो से गई, शादी हो मढ़ूस गई, आ गई मढ़ूस आ हमारे गई घर हमारे में। घर में। कुछ काम कुछ धंधे काम में इसका धंधे में मन इसका नहीं मन लगता नहीं है, लगता सुनती है, ही नहीं सुनती है ही कि नहीं क्या है कि करना क्या है। करना है। राधा, ओ राधा, राधा क्या हुआ मम्मी जी? आप इतने डरे हुए क्यों हो? राधा मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आज से तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है बेटा। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे से बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा हे भगवान, हमें कभी माफ न करना। मैं ये कैसे भूल गई कि जैसे प्रिया मेरी बेटी है, ऐसे तू भी किसी की बेटी है। बेटा मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। खाने तक में भी मैंने तुझे सुनाया कि तू पसेरी भर खाती है। क्या क्या नहीं सुनाया मैंने। बेटा मुझे माफ कर दे तू। कोई बात नहीं मम्मी, रो नहीं आप। बेटी को ससुराल में अकेले काम करना पड़ जाए तो माँ बाप को बहुत खराब लगता है, और वही काम बहू अपने घर में अकेले करती है। कोई बात नहीं, उसको तो थकान होती ही नहीं है। बेटी अगर बीमार हो जाए तो माँ बाप मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारी में डंका कूट देते हैं। अरे मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरा दामाद बहुत बीमार है। अगर बहू लड़के को कुछ हो जाए, अरे ये तो ड्रामा करते हैं, इनको कुछ नहीं हुआ, ये बहाना बनाते हैं। तो ये कौन करता है? ये आप ही लोग करते हो, समाज के लोग करते हैं। अगर आपको बहू बेटी एक नजर से नहीं देखोगे आप लोग, तो आप कभी जीवन में आनंद नहीं ले सकते हो परिवार का। जो परिवार की खुशियां होती है वो कोई नहीं ले पाता है। अगर बहू और बेटी को एक नजर से देखना शुरू कर दोगे आप लोग, उसी दिन से आपको परिवार फैमिली क्या होती है आपको बहुत अच्छा लगेगा रह के। आप लोग एक बार करके देखिए। एक बेटी को तो तुम सारा दिन बेटा बेटा कह के बुलाते हो, एक बार बहू को बेटा कह के प्यार से बुलाओ, वो आपकी बेटी से ज्यादा आपके लिए करेगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। हाँ, अगर मेरा आप लोग ब्लॉग देखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है राधा शुक्ला ब्लॉग के नाम से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।